संत आसाराम बापू पिछले 14 वर्षों से सलाखों के पीछे जेल में बंद है। जिन्हें जमानत मिले तथा उनकी रिहाई हो सके, इसके लिए राष्ट्रीय समर्पण पार्टी की ओर से एक दिवसीय सांकेतिक धरना आंदोलन की शुरुआत सावनेर तहसील कार्यालय के बाहर की गई है तथा संत आसाराम बापू की रिहाई हेतु समूचे देश में आंदोलन चलाए जाने की जानकारी राष्ट्रीय समर्पण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशिकांत सिंह ठाकुर ने इस अवसर पर कही। इस अवसर पर बोलते हुए शशिकांत सिंह ठाकुर ने कहा कि आतंकवाद, बलात्कारी, भ्रष्टाचारियों के पैरोल तथा जमानत मिल रही है, लेकिन हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में अपना जीवन तथा सर्विस से अर्पण करने वाले संत आसाराम बापू को जबरन जेल में कैद करके रखा गया है। उनके परिजनों के अंतिम संस्कार जैसे महत्वपूर्ण समय पर भी उन्हें पैरोल नहीं दी जाती। इससे तो ये बात जरूर साबित होती है कि देश संविधान तथा देश की न्यायपालिका से नहीं बल्कि किसी के दबाव तंत्र में कार्य कर रहा है। तभी तो संत आसाराम द्वारा जारी हिंदू धर्म को जागृत करना, धर्मांतरण का विरोध करना आदि कारणों से संत आसाराम बापू को विदेशी ताकतें तथा मिशनरियों के दबाव में झूठे मामले, झूठे गवाहों का षड्यंत्र बनाकर 85 वर्षीय संत को पिछले 14 सालों से जेल में जबरन बंद करके रखा गया है, जिसका राष्ट्र समर्पण पार्टी पुरजोर विरोध करते हुए संत आसाराम बापू की तत्काल रिहाई हेतु समूचे देश भर में अन्याय अत्याचार के खिलाफ देश का संविधान बचाने हेतु संघर्ष का आगाज राष्ट्र समर्पण पार्टी सावनेर के धरना आंदोलन से कर रही है। यह आंदोलन श्री संत आसाराम बापू जी की रिहाई करने की, जो श्री संत आसाराम बापू पर षड्यंत्र करके विदेशी शक्तियों द्वारा जो केस छूटी लगाई गई है, जो आसाराम बापू जी को फंसाया गया है, हिंदू संस्कृति खराब करने की कोशिश की गई है, हिंदू के विश्वास को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। यह आंदोलन संत आसाराम बापू को न्याय दिलाने के लिए है, क्योंकि कोरोना काल में संत आसाराम बापू को एक घंटे की पैरोल तक नहीं दी गई। यह न्यायपालिका पर सवाल है और जो धर्म अपने आप को धर्मवादी बोलते हैं उन पर भी सवाल है। यह तो अभी कारवा है, यह सांकेतिक उपोषण है। यह आंदोलन पूरे भारतवर्ष में फैलेगा और संत आसाराम बापू के साथ राष्ट्र समर्पण पार्टी के लाखों करोड़ कार्यकर्ता, अगर सरकार नहीं सुनी तो सरकार को बदलने में टाइम नहीं लगेगा। सरकार सुन ले, आज उनके पास मौका है। NBC न्यूज के लिए संवाददाता किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट।